கம்பல் கம்பல் மீன்ஸ் இயரிங் भाई कैसे चढ़ेंगे? बस 5 मिनट में पहुंचने वाले गाइस। सारा सामान डिपॉजिट कराना है और अब मिलते हैं सीधा आपको रात को 2-3 घंटे बाद दर्शन करके। अब बात है, ये देखो यहाँ पे कांच की बोतल है यार ये तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसी हो मेरी प्यारी ऑडियंस? तो गाइस, इस समय मैं हूँ तिरुपति बालाजी में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और गाइस, इस समय मैं जा रहा हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो सोचा लाइफस्टाइल थोड़ा दिखाया जाए आपको, कैसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं फिर रहे हैं। तो गाइस, इस समय मैं रुका हुआ हूँ श्रीनिवासम। इस जगह का नाम है श्रीनिवासम। यहाँ पर रहना खाना एकदम मस्त, एकदम फ्री है। और ये बस स्टैंड के पास जगह पड़ता है, और यहाँ पे मतलब जितने भी यात्री होते हैं सब लोग यहीं पे आते हैं, यहीं पे ठहरते हैं। और यहाँ पे जैसे पैसों से भी आप ले सकते हो, लेकिन फ्री में भी रुकने की जगह है और बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जैसे दर्शन करने के लिए गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई, मतलब लाइन है ना, क्या लोग बंदे बता रहे 24 घंटे बाद नंबर आता है अगर वो सिंपल लाइन लगाते हैं। और पेमेंट से भी लाइन लगती है उसकी, 300 रुपये ये पहली पेमेंट करने पड़ते हैं ऑनलाइन बुकिंग के लिए, जिसमें आपको दर्शन इजीली हो जाते हैं 4-5 घंटे में। और एक यहाँ पर टाइमिंग का भी है, ये यहाँ पर रात को यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है, तब जाके ये पर्ची मिलती है, एकदम टिकट फ्री है। बस इसमें टाइमिंग देते हैं कि आप इस टाइम में जाके आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अलग से लाइन लगानी पड़ती है यहाँ पे, वो भी रात के टाइम। ये श्रीनिवासम है और इसी पे यहीं पे लाइन लगती है। और रात, कल पूरी रात जगा हूँ, और सुबह 6 बजे मैं सोया हूँ, और 12 बजे उठ के मैं एकदम नहा धो गया। अभी 2-3 बज रहे हैं, और अभी फ़िलहाल बस पकड़िए मैं जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर, और तिरुमाला उस जगह का नाम है। यहाँ पे ना लॉकर है, लॉकर फ्री में दे रखा है, कमरा दे रखा है, एक हॉल टाइप का है, हॉल टाइप में आप कहीं पर भी सो सकते हो, कुछ इस टाइप की ये जगह है। तो ये है तिरुमाला जाने के लिए बस है, यहाँ अप डाउन का 160 रुपये लेती है, मतलब जाने जाने का 90 रुपये और आने जाने का 160 रुपये। तो यहाँ से टिकट लेते हैं। तो फिलहाल चेकिंग करवाने जा रहे हैं, यहाँ एक चेक पोस्ट है, चेकिंग होती है, चेकिंग एंड गो बैक। ओके, गो बैक मतलब इसी बस में दोबारा आएंगे, चेकिंग करवाने जा रहे हैं। तो चलो, ये देखो, मुझे लगा अभी तो चढ़े ही थे, अभी दो मिनट में उतर गए, मैं बड़ी जल्दी आ गया ये। और ये देखो कुछ इस टाइप से यहाँ चेकिंग होती है, फिलहाल चेकिंग करवा के आता हूँ मैं। फिलहाल चेकिंग हो चुकी है, छोटी सी चेकिंग थी, हो गई। कंबल कंबल मींस इयररिंग्स नो गोल्ड गोल्ड ओके नो तो यहाँ पे सोने का वो होता है कान का, तो ढूंढने के लिए कह रहे हैं अंकल। नो अंकल, मम्मी सिंह। तो भाई कान के उसको यहाँ पे कंबल कहते हैं, कंबल कर रहे हैं, मुझे लगा वो ओढ़ने वाला कंबल, पूरे बस में ढूंढा जा रहा है। और मुझे लगा यार कंबल ही तो खोया है, इतना सब लोग क्यों हड़बड़ा रहे हैं? तो पता चला कंबल कान के सोने को, ऐसे झुमके को कह रहे कंबल। वाह नाइस। अभी फ़िलहाल बस ने यहाँ पे थोड़ी काफ़ी पीछे उतार दिया है, क्योंकि आगे थोड़ा वो ट्रैफिक लगा हुआ है, तो पैदल जाना पड़ेगा, 5 मिनट का रास्ता है पैदल। तो अभी यहाँ से बस ले रहे हैं, फ्री में चलती है यहाँ पे, और वो हमें मंदिर तक ले जाएगी। ये आ गई, हाँ यही है, ये देखो, ये है फ्री वाली बस, ये देख सकते हैं, मुफ्त बस, चढ़ते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, भाई कैसे चढ़ेंगे? फिलहाल बस में चढ़ चुके हैं, कितना दूर होगा यहाँ से? 3 किलोमीटर है यहाँ से, 3 किलोमीटर बस 5 मिनट में पहुँचने वाले गाइस। फ्री बस में सीट मिलना बहुत बड़ी बात है, जो कि मुझे मिली है, तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। अब फिलहाल भाई पता नहीं कहाँ बस ले जा रही है, ना लैंग्वेज समझ आ रही है, ना ये नहीं समझ आ रहा है जाना कहाँ है, बस ले जा रही है तो जा रहे हैं, देखते कहाँ उतरते हैं अभी। भैया देखो भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, फिलहाल आधे लोगों को छोड़ते हुए निकल पड़े हैं हम आगे की ओर। और ये देखो, Whatever happens, remember that you
फिलहाल अंदर जाने से पहले कुछ खा पी लेते हैं ताकि सही रहे। और ये टोकन वाली लाइन है जो मतलब अलग अलग तरीके के टोकन है, 300 रुपये वाला टोकन अलग है, जो मेरे पास टोकन है वो अलग है, और फ्री वाला अलग है। तो ये सब तो लाइन है। और अंदर जाने से पहले यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं, जैसे चाय और बिस्कुट खाऊँगा मैं तो, क्योंकि बस। थैंक यू अंकल। चलो भाई, ये है गर्मा गर्म चाय। अंकल एक बिस्कुट, बिस्कुट वन बिस्कुट। तो ये देखो भाई, इंग्लिश बोलनी पड़ती है। ये भी 5 रुपीज़। ओके ओके, चाय बहुत अच्छी है। 15 रुपये की चाय, 5 रुपये का बिस्कुट, मस्त है। अंकल अंकल, हिंदी आती है आपको थोड़ी थोड़ी? ये जो दर्शन है, कितनी देर में हो जाएंगे यहाँ से? अगर एंटर करते हैं कितनी देर में बाहर निकल जाएंगे? 3 घंटा लग जाएगा। टोकन है टोकन होने के बावजूद 3 घंटे लग रहे हैं। और फ्री वाले में तो 24 घंटे लगते हैं, है ना? जो वो बाहर फ्री वाला है, फ्री वाले में 24 घंटे लगते हैं। और वो 300 रुपये में जो आप लेते हो टोकन, उसका भी सही है, उसका भी इतना ही लगता है। चलो भाई अंदर आ गए और अब लग जाएंगे 3 घंटे। अब 3 घंटे आराम से दर्शन करेंगे। अभी 5:10 हुए हैं, मतलब 10 मिनट हो गए एंटर करे हुए। और ये देखो कुछ इस टाइप की यहाँ पे भीड़ है फिलहाल। तो अभी देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है। लगभग कितना टाइम लगेगा अंदर जाने में आपके? 4 घंटे। तो अभी 4 घंटे अंदर जाने में लगे हैं। और पता नहीं देखो कितनी ज़्यादा भीड़ वो पीछे तक। और अभी अंदर सब कुछ जमा हो जाएगा अंदर, मतलब लॉकर है वो काफ़ी टाइम बाद है या अभी थोड़ी देर में ही? अच्छा रास्ते में ही है, अभी रास्ते में। तो अभी लॉकर, मेरा कैमरा, फ़ोन वगैरह सब बंद हो जाएगा अंदर। उसके बाद सीधा देखते हैं कहाँ मिलता हूँ मैं आप लोगों को। चलो भाई, यहाँ सारा सामान डिपॉजिट कराना है और अब मिलते हैं सीधा आपको रात को 2-3 घंटे बाद दर्शन करके। हाँ, ये कैमरा है और ये सामान है सारा। 5 बजे मैंने अंदर मंदिर के लिए एंट्री करी थी और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। लगभग लग गए मुझे कितना, 6, 7, 8, 9, 10, 5-5.5 घंटे में अच्छे से दर्शन हो गए। और फिलहाल मैं आपको दर्शन कराने लेकर आया हूँ। देखो रात के टाइम यहाँ कुछ ऐसा माहौल है। और गाइस इतनी भीड़ मैंने आज तक किसी मंदिर में नहीं देखी भाई साहब। लाइन इतनी खतरनाक मैं बता नहीं सकता भाई। तो गाइस आप दर्शन कीजिए वेंकटेश्वर स्वामी जी के। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। और वह देखेंगे ज़्यादातर लोग यहाँ पे मतलब गंजे हैं, सब लोग A to Z लोग यहाँ पे, चाहे वो मतलब लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मतलब आप देख सकते हैं। क्या बोल सकता हूँ बाकी वगैरह वगैरह, धीरे धीरे बोल रहा हूँ बाकी मस्त है, ऐसा ही है वो फिलहाल माहौल। और ये आप दर्शन कीजिए मंदिर के। और फिलहाल देख सकते हो भैया, मैं मेरी तो बैंड बजी हुई है, हालत इतनी ख़राब है ना भाई, कल रात से मैं सोए नहीं हूँ, आँखों में नींद चढ़ी हुई है। और फिलहाल जा रहे हैं उस साइड। अभी मैंने खाना खाया है यहाँ पे एक तो लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोल रहा हूँ फ्री फूड कहाँ है? फिर मैं पहले तो मैं बोलता था भंडारा कहाँ है, व्हाट भंडारा, क्या भंडारा, क्या बोलता है, नहीं फ्री फूड फिर समझते हैं लोग। तो ऐसा है। और भाई लोग हिंदी आती है भाई? अरे कहाँ से हो? खलगुर्गी। ये आंध्र प्रदेश से? कर्नाटक। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा लगा मिलके। अरे हाँ भाई, छोटे से यूट्यूबर है सूरज PGS। कैसा लगा आपको मैं दर्शन करके? कितना घंटा लग गया आपको? सुबह से 2 बजे लाइन के लिए। 9 बजे लाइन लगे थे? दो बजे लगे थे तो अब दर्शन हुए? क्या बात है, देख रहे हो 2 बजे लगे थे अब दर्शन हुए। मतलब वो टिकट वगैरह कुछ लिया नहीं था क्या? लिया था वो जो टाइम मिलता है टाइम। ओके, यही वाला है। आपको कितना टाइम मिला था? अरे 10 PM का, रात के 10 PM का। वाह, 2 बजे लगे हैं और अब दर्शन हो रहे हैं, कमाल है। ठीक है, मैं 5 बजे लगा था और अभी दर्शन हुए मुझे भी। सूरज PGS। ठीक है, देखिएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू। ये आप दर्शन कीजिए प्रभु के। वाओ, प्रभु के दर्शन कीजिए आप। तो ये देख सकते हैं कितनी मतलब सुंदर सी बना रखी है पेड़, मतलब ये जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा है। और आप दर्शन कीजिए प्रभु के। यहाँ पे 12 बजे तक बस चलती है और 12 से 3 बंद हो जाएगी, फिर 3 बजे दोबारा चलने लग जाएगी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक बार तिरुपति चला जाऊँ,
ये तिरुमाला है, इस जगह का नाम है तिरुमाला और यहाँ से है तिरुपति, लगभग 25 किलोमीटर बताया था मैंने, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखो यहाँ पे वेंकटेश्वर भगवान जी की यहाँ पे ये तस्वीर बिक रही है, आप देख सकते हैं। ओ भाई मस्त है, लाइटिंग मस्त हो रही है। भाई मैं जब से आंध्र प्रदेश में घुसा हूँ ना, मैं भाई इडली सांभर, डोसा सांभर, वड़ा सांभर, अचावल सांभर, भाई मैं इतना नहीं खा सकता यार। मतलब हमें चाहिए दिल्ली के आइटम जैसे समोसे, बर्गर, चौमिन, लेकिन भाई यहाँ तो मतलब स्पेशल चीज़ जैसे हमारे पास चौमिन होती है ना दिल्ली में, यहाँ पे भाई डोसा होता है, डोसा, चौमिन की जगह डोसा। भाई अभी मैंने यहाँ पे भंडारा चल रहा था, मुझे लगा होगी मतलब पूरी होगी, कुछ ऐसे ही होगा, वहाँ पे मिला मुझे चटनी मिली और ऐसी कुछ सब्जी सी टाइप की थी और चावल और सांभर। ओ भाई साहब चावल सांभर, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ जब से मैं आया हूँ ना, मैं सांभर के अलावा तो कुछ खाया ही नहीं है मैंने, बड़ी काफ़ी दिन हो गए ऐसी चावल सांभर ऐसी सब चीज़ें चल रही है। और फिलहाल ये छोटी सी मार्केट आई है, मतलब यहाँ हर जगह छोटी छोटी सी मार्केट है, बहुत प्यारी सी। अगर मेरे साथ कैंपिंग का सामान होता ना ऐसे, मैं आराम से कहीं ना कहीं साइड में बोरी बिस्तर डाल के आराम से सो जाता, कहीं नहीं जाता मैं। और फिलहाल मतलब तिरुपति भी जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बस में अभी एक घंटा लगेगा, तो बस मतलब बोर हो जाऊंगा यार। मतलब ऐसे देखना, मैं पक्का मैं कह रहा हूँ मैं बस में सोऊंगा अभी, बस में बैठते ही सो जाऊंगा, मैं इतना थका हुआ हूँ। ये देखो भाई मेरी फेवरेट चीज़ मिल गई, यहाँ पे चाय की दुकान है, तो थोड़ा हो जाए एक आधा चाय की घुट, देखते हैं यहाँ कितना रुपए का मिल रहा है। महंगा मिलेगा तो मैं नहीं लूँगा, बाकी ठीक ठाक होगा तो ले लूँगा। इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, इंग्लिश तो आती नहीं भाई, हिंदी आती है थोड़ा थोड़ा। चाय कितने की, टी कितने की? 15 रुपये। वन टी, तो चलो टी के ही चलते हैं। हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है आपको? सीखा नहीं मतलब आपने, या ऐसी ऐसी सीखा? मतलब ओ क्या बोलूँ, समझ दिया, थैंक यू सो मच। ये पहले तो ये देखो, इधर ये गर्म पानी होता है, दूध है और इधर गर्म पानी, ये काली काली हो रही है, ऐसे बनती है भाई ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से चाय। ओके मस्त है, चलो अभी पीते हैं फटाफट इसको यार, इससे थोड़ी सी एनर्जी आएगी फिर चलेंगे। अब 15 है, 15, ओके ओके, चेंज ले, चेंज, नो चेंज, पेटीएम, ओके पेटीएम। यहाँ पर सब लोग ये बाल क्यों छिलवाते हैं? बाल का निकाल, हाँ उसे वो कुछ जाकर राइट चिलो। नहीं मुझे नहीं छिलवाना है, लोग क्यों छिलवाते हैं, लोग क्यों होते हैं? ठीक है कोई नहीं, लेडीज एंड जेंट्स क्यों, वाई, हाँ वाई, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम होता है कुछ ऐसे। असल हिंदी आती है आपको? हिंदी नहीं, ओके चलो भाई अब बताओ भाई किससे पूछूं, भाई क्या पूछूं यार ये हो रहा है यार मेरे साथ। मैंने जहाँ तक जितना पढ़ा है यार, YouTube पे देखा है, कहते हैं उनकी कोई विश होती है या वो पूरी हो जाती है तब बाल छिलवाते हैं, या फिर पहले बाल छिलवाते हैं तो फिर विश पूरी होती है, ऐसा ही कुछ है। और कहते हैं जैसे बाल वगैरह काटने ऐसे छिलवाने से जितने भी हमारे वो पाप होते हैं मतलब वो सारे धुल जाते हैं, ऐसी कुछ है, ऐसी बातें मैंने पढ़ी थी। बाकी आप देख रहे हो ना, आपके सामने पूछ रहा हूँ, कोई क्या बोलो यार, ओके डन, ठीक है। ये वाटर, पानी, या क्या बात है, ये देखो यहाँ पे कांच की बोतल है यार ये तो, हाँ बिस्लेरी, ओके हाउ मच, 50 रुपीज़, ओके भाई इतनी बड़ी बोतल लेके कौन चलेगा। अभी भैया ने ली है बोतल तो मुझे लगा पता नहीं क्या ही है ये, देखो कांच की बोतल है पूरी, 700 ml पानी वो भी बोतल में 50 रुपये का, पता नहीं क्या से क्या देखने को मिलेगा। मुझे लगा पता नहीं ऐसी दवाई की शीशी लग रही है, पता नहीं किस चीज़ की शीशी है, एक बार पूछ लूँ और पता चला पानी की, वाह पता नहीं क्या से क्या देखने को मिलेगा यार। चलो भाई पहुँच गए नंगे पैर वो भी, और यहाँ पे रुके हुए हैं
श्रीनिवासम। यहाँ पर कमरे भी मिलते हैं लेकिन ऐसे फ्री में सो सकते हैं जहाँ मर्जी। मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रुका हुआ हूँ। ये तो थोड़ा अजीब है, ये सब लाइन लगाएंगे अभी बाहर, अभी सब सो रहे हैं। अभी 12:00 हो रहे हैं तो 2:00 लाइन लगाएंगे सब लोग बाहर एकदम, तभी ये यहाँ पे सो रहे हैं, वरना आराम से सोएंगे। ऊपर तो बहुत साफ़ सुथरा है, ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ऊपर कितना साफ़ सुथरा है। ये सामने एक लॉकर है, लॉकर यहाँ पे फ्री में मिलता है, बस बहुत टाइम लगता है क्योंकि फ्री है तो टाइम तो लगेगा ही। और फिलहाल यहाँ पे देखो, ये देखो, ये थोड़ा साफ़ सुथरा एरिया है और यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं आराम से। मैं उधर सो रहा हूँ, वो उधर मेरा लॉकर है उस साइड। तो चलो अब सोते हैं, अब क्या करें। बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, ये पूरा लाइफस्टाइल था आज अपना। तो बस चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई ना तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। और चलो अब सीधा लेटता हूँ मैं जाकर सो के, वो सामने मेरा लॉकर है वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय। We're doing all right when we are apart.